एमसीडी चुनाव पर मेरी चिट्ठियों का असर। सत्येंद्र जैन की विधानसभा में सभी सीटें हारी एएपी। सुकेश का एक और लेटर। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक नया पत्र जारी किया है। उसने कहा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पत्र लिखने के लिए किसी ने उससे नहीं कहा था। यह पत्र उसने अपनी मर्जी से लिखे थे। उसने कहा कि पत्र में जो भी घटनाएं और दावे किए गए हैं वो सभी सत्य है। सुकेश ने आगे कहा है कि इन चिट्ठियों के लिखे जाने के बाद एमसीडी चुनावों पर काफी असर पड़ा है। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन की विधानसभा सीट के सभी वार्ड पर हार गई। वही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 सीटों में से 3 पर हार गई। उसने फिर दोहराया है कि आपके इशारे पर उसे जेल के अंदर धमकाया जा रहा है। सुकेश चंद्रशेखर का नया पत्र उपराज्यपाल द्वारा गठित की गई कमेटी को सबूत पाए जाने के ठीक 2 दिन बाद आया है। सुकेश के नए लेटर पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि क्या केजरीवाल अब भी कट्टर भ्रष्टाचारी का बचाव करेंगे। पूनावाला ने कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर की और चिट्ठी सामने आई है जिसमें उसने माठा केजरीवाल और वसूली कंपनी के बारे में बताया है। अब 7 करोड़ रुपए का एक और आरोप लगाया गया है। हाल ही में एक जांच पैनल ने पाया है कि सभी आरोप गंभीर है और इन पर विस्तृत रूप से जांच की जरूरत है। क्या केजरीवाल अब भी कट्टर भ्रष्टाचारी का बचाव करेंगे? वो खुद ही लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं लेते हैं? सुकेश ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर जो गंभीर आरोप लगाए थे उसकी जांच पूरी हो गई है। आरोपों की जांच के लिए गठित प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें सुकेश ने अपने दावों को दोहराया है। उसने समिति को बताया है कि 60 करोड़ रुपए कहां, कब, किसको और क्यों दिए। कमेटी ने 14 नवंबर और 15 नवंबर को मंडोली जेल में सुकेश के बयान दर्ज किए थे। उसने कमेटी को बताया है कि उसने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के असोला माइंस स्थित फार्म हाउस पर मंत्री सत्येंद्र जैन को 4 किश्तों में 50 करोड़ रुपए दिए थे और अरविंद केजरीवाल इन वित्तीय लेन देन से पूरी तरह से वाकिफ थे। उसने बताया है कि 2017 में 50 करोड़ रुपए देने के बाद होटल हयात रेजेंसी विकाजी कामा प्लेस में सुकेश चंद्रशेखर ने एक डिनर पार्टी दी जिसमें सीएम केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल हुए थे। सुकेश ने कहा है कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उसका परिचय कराया था। इसके बाद उन्होंने कई बार फोन पर बातचीत की।